हाय एवरीवन, दिस इज़ कन्हैया पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक पर्सनल कंप्यूटर के भागों को जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर होता क्या है, उसके क्या क्या भाग होते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है देखते हैं। IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को IBM PC या पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्यों को लेकर वह सामान्य लागत से एक प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने बना बिजनेस मशीन ने बनाया जिसे IBM PC या पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। यह एक माइक्रोप्रोसेसर तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। इसे अक्सर पर्सनल कंप्यूटर या PC कहा जाता है। ठीक है, जो हम घर में यूज़ करते हैं, जो भी सामान्य कंप्यूटर, उसको ही हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। उदाहरण के जैसे माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टेबलेट, ये सब जो यूज़ करते हैं हम, इसको जो है पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। यही होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो है कई भागों से मिलकर बना होता है, मतलब बहुत सारे जो है इसके पार्ट्स होते हैं जिनको एक साथ जोड़ के जो है पर्सनल कंप्यूटर बनाया जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर के भाग क्या क्या होते हैं देखिए। पर्सनल के निम्नलिखित आवश्यक भाग होते हैं। पहला, सिस्टम यूनिट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, सिस्टम यूनिट। PC पर्सनल कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले सारी कार्य यहीं से नियंत्रित होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप टाइप और टावर टाइप। ठीक है, जो हमारा जो CPU होता है उसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कैसे जानते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है डेस्कटॉप टाइप, एक टावर टाइप। डेस्कटॉप टाइप मतलब डेस्कटॉप टाइप जो है पहले यूज़ होता था, अभी उतना यूज़ नहीं होता है। जैसे कि हम CPU देखते हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, हम तो नॉर्मली जो देखते हैं या फिर जो अभी तक देखे हैं वो है ये वाला, ऐसे टाइप से रहेगा ये जो CPU है, मतलब ये टावर टाइप से रहेगा। लेकिन एक और प्रकार होता है जो डेस्कटॉप टाइप होता है, ऐसे इसका चौड़ा साइड में साइज में होता है, जो कि भी होता है, मतलब दो प्रकार के होते हैं, ये समझ सकते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट में एक मेन पार्ट, सिस्टम यूनिट के मेन पार्ट CPU होता है, मदरबोर्ड होता है, रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सबसे मिलकर जो है ये सिस्टम यूनिट बना होता है। और कई भाग कंप्यूटर से क्या क्या भाग जुड़े होते हैं वही पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट्स में आएंगे। जैसे कि मॉनिटर, यह आउटपुट उपकरण है। मॉनिटर आप जो देखते हैं CPU से जुड़ा होता है। माउस, यह एक इनपुट उपकरण है। माउस एक इनपुट उपकरण है, हम इसमें कोई भी बटन, राइट या लेफ्ट या जो बीच का कर्सर बटन होता है उसको जब हम दबाते हैं तो इनपुट होता है। कीबोर्ड, यह इनपुट उपकरण है। साधारण बोर्ड में 104 की होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चाहिए कि कीबोर्ड में, साधारण जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन होते हैं। स्पीकर, यह आउटपुट उपकरण है। प्रिंटर आउटपुट उपकरण है, हार्ड कॉपी प्रदान करता है। स्कैनर देखेंगे आप, यह उपकरण जो इमेज को स्कैन कर बाइनरी कोड में बदल कंप्यूटर को इनपुट करता है, एक स्कैनर है। CD रोम ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी ड्राइव, CD से डेटा पढ़ने में प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है। CD राइटर, CD से डेटा पढ़ने व लिखने दोनों में प्रयुक्त होता है। मॉडेम, ये एक इंपॉर्टेंट है। मॉडेम क्या होता है, ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है मॉडेम। यह टेलीफोन लाइन द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। जो टेलीफोन लाइन होता है, जो जुड़ा होता है, जगह जगह होता है, उससे जो है टेलीफोन लाइन द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है मॉडेम। ठीक है, यही है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के भाग है, पर्सनल कंप्यूटर क्या है जो हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, उसके भाग को अगर लिखने के लिए आता है या फिर कहीं भी आपको ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर किसे कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या है। तो ये बस एक बस मेरा एक प्रयास है कि जो सिंपल सा नॉलेज जो मुझे है उसको मैं प्रोवाइड करूं एक वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मैंने कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो यही है पर्सनल कंप्यूटर, इसके भाग है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM ड्राइव, CD राइटर, मॉडेम, ये सब। तो थैंक यू सो मच, यही था पर्सनल कंप्यूटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।